Good morning, 7th class. In today's video, we will discuss history, 10th chapter, the medieval India. We have studied in the 6th class that how early man become a gatherer from a hunter. हमने 6th class में ये सीखा कि कैसे शुरुआती जो मनुष्य था वह गैदरर बना फ्रॉम हंटर से. पहले वह शिकार करता था, फिर उसने अपनी ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू की. हाउ डिड ह्यूमन स्टार्टेड ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, कैसे मनुष्य ने अलग अलग फसलें उगाना सीखा. हाउ डिड ही इस्टेब्लिश महाजनपदास फ्रॉम स्मॉल ट्राइब्स, उसने एक छोटे छोटे कबीलों से कैसे आज के जो महाजनपदास हैं वह स्थापित किए. In the beginning, human beings lived at the banks of rivers, but due to increase in population and other sources of water, they started living away from the banks of rivers. शुरुआत में मनुष्य थे जो वह रिवर्स के बैंक्स पे, नदियों के किनारों पे रहा करते थे, बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई एंड सोर्सेज ऑफ वाटर बढ़ते गए तो मनुष्य ने क्या था कि रिवर के किनारों से दूर भी रहना शुरू किया. यू कैन सी इन द मैप ऑफ इंडिया दैट द सब कॉन्टिनेंट इज़ अ बिग जियोग्राफिकल यूनिट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सब कॉन्टिनेंट्स. हम इंडिया के मैप में भी देख सकते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ से वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होती है. टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंप्राइजिंग द प्रेजेंट 6 कंट्रीज, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स है वह 6 देशों को मिलाकर बना है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया. इन द पास्ट इट वॉज नोन एज हिंदुस्तान एंड भारतवर्षा, पुराने समय में इसको हिंदुस्तान या भारतवर्षा कहा जाता था. न्यू एंड ओल्ड टर्म्स, हिस्ट्री गिव द वेरियस नेम्स टू इंडिया इन डिफरेंट पीरियड्स, हिस्ट्री ने इंडिया को अलग अलग समय में अलग अलग नाम दिए. इन वैदिक पीरियड, वैदिक काल में इट वॉज नोन एज आर्यावर्ता, दैट मीन्स कंट्री ऑफ आर्यन, यहाँ पे आर्यन रहते थे तो इसको आर्यावर्ता कहा गया. इट वॉज कॉल्ड भारतवर्षा एट द नेम ऑफ किंग भारत ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाभारत एंड प्राणस, एंड महाभारत एंड प्राणस के समय भारतवर्षा किंग भारत किंग के नाम पे इसे भारतवर्षा कहा जाने लगा. द ईरानियंस यूज द टर्म हिंदू फॉर इंडिया, जो ईरानी लोग थे उन्होंने हिंदू वर्ड यूज़ किया इंडिया के लिए. द ग्रीक्स यूज द टर्म इंडस फॉर इंडिया, और जो ग्रीक थे उन्होंने इंडस वर्ड यूज़ किया. इन बाइबल होडू टर्म इज़ यूज फॉर इट, बाइबल में इसके लिए होडू वर्ड यूज़ किया गया है, वो होडू टर्म यूज़ की गई है. व्हेन बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना, जब चाइना में बुद्ध धर्म इंट्रोड्यूस हुआ, द चाइनीज यूज द टर्म त्यान चू फॉर इंडिया. आफ्टर हुंस्तांग विजिट अनदर टर्म यू इन टू यूज फॉर इंडिया. टाइम फ्रेम ऑफ द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जर्नली द हिस्ट्री ऑफ एवरी कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 3 पीरियड्स, आमतौर पर हर कंट्री की हिस्ट्री है जो 3 पीरियड्स में बांटी गई है, जैसे एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. द पीरियड बिटवीन द एंशियंट एंड मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज मेडिवल पीरियड, जो प्रातन समय और मॉडर्न समय के बीच का पीरियड है उसको मेडिवल पीरियड बोला जाता है. इन इंडिया द मेडिवल पीरियड स्ट्रेच्ड फ्रॉम द 8th to 18th century. इंडिया में 8वीं सदी से 18वीं सदी का समय मेडिवल पीरियड कहलाता है. द 18th सेंचुरी हैज़ बीन टेकन एज द बिगनिंग ऑफ मेडिवल पीरियड इन इंडिया, जो 8वीं सदी थी उसमें मेडिवल पीरियड की शुरुआत मानी जाती है भारत में. एज मैनी चेंजेस इन सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर एंड रिलीजन वर टेकिंग प्लेस, क्योंकि 8वीं सदी से समाज में,
राजनीति में, आर्थिकता में, सभ्याचार में, धर्म में काफ़ी चेंजेस होनी शुरू हो गई थी। सिमिलरली द ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर एंड कमिंग ऑफ द ब्रिटेन इन टू पावर इन अबाउट द मिडल ऑफ द 18th century एंड इसी तरह मुगल एम्पायर का जहाँ पे नाश हुआ, ब्रिटिश का यहाँ पे पावर में आना 18th century में, विच मार्क्ड द एंड ऑफ द मेडिवल पीरियड, इसने मेडिवल पीरियड का एंड किया। दिस मेडिवल पीरियड इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, जे मेडिवल पीरियड आगे दो पार्ट्स में बांटा जाता है, अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड। द पीरियड फ्रॉम द 8th टू द बिगिनिंग ऑफ द 13th century इज रिगार्डेड एज द अर्ली मेडिवल पीरियड, जो समा 8वीं सदी से 13वीं सदी तक की शुरुआत का समा अर्ली मेडिवल पीरियड कहलाता है। वाइल द पीरियड फ्रॉम 13वीं सदी ऑनवर्ड अप टू 18वीं सदी इज रिगार्डेड एज लेटर मेडिवल पीरियड, जबकि जो समा 13वीं सदी से 18वीं सदी का था उसको लेटर मेडिवल पीरियड बोला जाता है। मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इन द मेडिवल पीरियड वी फाइंड सर्टेन हिस्टोरिकल ट्रेंड्स विच डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द एंशियंट पीरियड। हमने मेडिवल पीरियड में कुछ ऐसे चेंजेस देखे थे, ट्रेंड्स देखे थे जिससे वह एंशियंट पीरियड से अलग था। During this period, the coming of Muslim led to the growth of the composite culture. There was a lot of interaction between the Hindus and Muslim. जब मुस्लिम्स आए तो हिंदूज एंड मुस्लिम में काफ़ी कल्चर का आदान प्रदान हुआ, उनमें काफ़ी इंट्रैक्शन देखने को मिली। Most of the languages, particularly Hindi, Urdu, that we speak even today developed during this period. काफ़ी जो languages थी वह इस समय पर ही विकसित हुई। In the medieval period, many of our social customs, tradition and religious beliefs have their reason. Medieval period में ही काफ़ी जो सामाजिक customs थे, रीति रिवाज थे, traditions थे हमारी, religious जो धार्मिक हमारे विश्वास थे उनका जो कि था रीजन हुआ, जन्म हुआ। देयर वॉज मच मोर कंटेक्ट बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड, इस समय पे भारत का संसार के साथ काफ़ी कंटेक्ट हुआ। ट्रेड लेड टू अ ग्रेटर इंट्रैक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो व्यापार था उसने लोगों का दूसरे संसार के साथ इंट्रैक्शन बनाया। There was a lot of give and take, इसमें काफ़ी आदान प्रदान हुआ। India borrowed many things from the traditions of other countries, इंडिया ने दूसरे देशों की ट्रेडिशन से काफ़ी चीज़ें थी जो बोरो की। The शक्ति एंड सूफी सेंट्स bought about a better understanding of the basic principle of Hinduism and Islam. भक्ति एंड सूफी संत जो थे उन्होंने हिंदू एंड मुस्लिम धर्म में काफ़ी मूल सिद्धांत थे जो उनका उनकी उन्होंने अच्छी सोच उत्पन्न की लोगों की। डूरिंग दिस पीरियड देर वॉज अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन ग्रेट एक्सपेंशन इन ट्रेड एंड कमर्स, यहाँ पे व्यापार में और वणिज में काफ़ी विकास देखने को मिला। हिस्टोरिकल सोर्सेस द हिस्टोरिकल हिस्टोरियंस depend upon archaeological and literary sources about the information of medieval India. प्रातत्व स्रोत थे जो वह भारत में मध्यकालीन युग की जानकारी के लिए जो historians होते हैं, इतिहासकार होते हैं, उन्होंने जो पुराना साहित्य था, लिटरेचर था, उससे जो मटेरियल लेकर उससे उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा जाना। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, इसमें एंशियंट मॉन्यूमेंट्स आते हैं, टेंपल्स आते हैं,
इंस्क्रिप्ट्स आती हैं, कॉइन्स आते हैं, बर्तन आते हैं, टूल्स आते हैं, वेपन्स थे उसके, उस समय के जो औजार थे, ऑर्नामेंट्स, गहने थे और पेंटिंग से इससे उन्होंने पुरातत्व समय के बारे में जाना। एंशियंट बिल्डिंग्स दे इंक्लूड, इसमें टेम्पल्स आते हैं लाइक खजुराहो, भुवनेश्वर टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, मॉस्क्यूज थे जैसे जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, और फोर्ट बने हुए थे जैसे रेड फोर्ट है, आगरा फोर्ट है, और कुतुब मीनार है, पैलेसेस हैं जैसे जैसलमेर के एंड जयपुर के। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ली मेडिवल पीरियड, इससे हमें आर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। दे आल्सो प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, डेट्स एंड पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ द रूलर्स, अबाउट द स्पेसिमेंस ऑफ आर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स एक्सेट्रा ऑफ दिस पीरियड, इससे हमें इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में पता चलता है, डेट्स के बारे में पता चलता है, पर्सनल क्वालिटीज़ थी जो रूलर्स की, शासकों की, उसके बारे में पता चलता है, उस समय का जो आर्ट था उसके बारे में पता चलता है, और जो उनका शासन प्रबंध था उसका भी इससे हमें पता चलता है। कॉइन्स, कॉइन्स थ्रो लाइट ऑन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, वह इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स होती हैं, जो डेट्स होती हैं, पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उस पे लाइट थ्रो करते हैं। सम कॉइन्स गिव अस एन इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड, कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन होती है जो उसके बारे में पता चलता है। हिस्टोरियंस डिपेंड ऑन लिटरेरी सोर्सेज एज वेल एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज टू नो अबाउट इंडियन मेडिवल पीरियड, जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को एंड लिटरेरी सोर्सेज, जो लिटरेचर लिखा हुआ है उस पे डिपेंड थे वह मेडिवल पीरियड को जानने के लिए। पीपल यूज्ड पेपर टू राइट रिलीजियस ग्रंथ्स, अकाउंट्स ऑफ रूलर्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, लोग पेपर यूज़ करते थे धार्मिक ग्रंथ लिखने के लिए, रूलर्स जो थे, शासक थे, उनके अकाउंट्स लिखने के लिए, और जो गवर्नमेंट दस्तावेज थे उनके लिए। बिकॉज द प्राइस ऑफ पेपर वॉज रिड्यूस इन द मेडिवल पीरियड, क्योंकि मेडिवल पीरियड में जो पेपर का प्राइस था वह काफ़ी कम हो गया था। लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स एंड डायनेस्टीज, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। इसमें क्या था, ऑटोबायोग्राफीज आती थी, ऑटोबायोग्राफी होती है अपनी लाइफ के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा खुद लिखना, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है जो अपनी लाइफ के बारे में खुद लिख रहा होता है, और बायोग्राफी होती है किसी की लाइफ के बारे में किसी और दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा जाना। दीज प्रोवाइड अस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेडिवल पीरियड, इससे हमें मेडिवल पीरियड के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। अकाउंट्स ऑफ फॉरनर ट्रैवल्स, अकाउंट्स ऑफ फॉरनर ट्रैवल्स आर आल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स ऑफ दिस पीरियड, जो विदेशी यात्री थे उनके जो अकाउंट्स थे, उन्होंने अपनी जो विजिट के बारे में लिखा था, उससे भी हमें इस पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। मुस्लिम ट्रैवल्स विजिटिंग इंडिया रोट एन अकाउंट ऑफ देयर ट्रैवल्स, जो मुस्लिम ट्रैवल्स थे जो इंडिया में आए थे, उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में अकाउंट लिखे। इब्न बतूताज किताब उल रिहाला अकाउंट डिस्क्राइब द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता जो कि एक विदेशी ट्रैवलर था, उसने अपनी किताब में, जिसका नाम किताब उल रिहाला था, उसमें उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन को अच्छी तरह से लिखा था। अल बिरौनी आल्सो रोट एन अकाउंट अबाउट हिज स्टे इन इंडिया, अब्दुल रजाक विजिट द किंगडम ऑफ विजयनगरा
एंड रोट अबाउट द कंडीशन ऑफ द किंगडम. जो अब्दुल रजाक था वह विजयनगर गया एंड उसने उस राज की किंगडम की विजयनगर के की जो कंडीशन थी उसके बारे में लिखा. बिसाइड दिस द अकाउंट्स रिटन बाय यूरोपियन ट्रैवलर्स थ्रो लाइट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग देयर विजिट. बिसाइड्स द अकाउंट्स ऑफ रिटन बाय यूरोपियन ट्रैवल्स, यूरोपियन ट्रैवल्स के अकाउंट के बिना, बिसाइड्स दिस द अकाउंट्स रिटन बाय यूरोपियन ट्रैवल, इसके बिना कुछ यूरोपियन ट्रैवल्स ने जो अपने अकाउंट्स लिखे थे वह भी इंडिया की कंडीशन पे लाइट डालते हैं, हमें बताते हैं कि उस समय लोगों की कंडीशन कैसी थी, उस समय जो राजा होते थे, जो शासक थे, उनका शासन प्रबंध कैसा था, उस समय की जो धार्मिक रिलीजियस पॉलिसी थी वह कैसी थी, लोगों की कंडीशन क्या थी, उस समय जो सोशल कस्टम्स थे वह कैसे थे. पेंटिंग इज़ एडिशन. Painting in addition to giving journal information, they also give us knowledge about the development of art, especially the art of painting during the medieval period. Painting से हमें उस समय की जानकारी के अलावा उस समय का जो art था उसके बारे में भी काफ़ी कुछ पता चलता है. Music, along with painting, music is also a good source of historical knowledge. Painting के साथ साथ जो म्यूज़िक है वह भी हिस्टोरिकल नॉलेज के लिए गुड सोर्स है. द मुगल रूलर्स एक्सेप्ट औरंगजेब पैट्रोनाइज्ड इट. जो काफ़ी मुग़ल शासक थे वह म्यूज़िक के काफ़ी दीवाने थे. देयर फॉर म्यूज़िक डेवलप्ड ड्यूरिंग द रीजन, इसीलिए उनके शासन में म्यूज़िक ने काफ़ी डेवलपमेंट की. अकबर पैट्रोनाइजिंग मैनी म्यूजिशियन, अकबर ने काफ़ी म्यूजिशियन को आदर सत्कार दिया. अमंग देम तानसेन वाज अ फेमस म्यूजिशियन, उनमें से तानसेन जो हैं वह फेमस म्यूजिशियन है. दस म्यूज़िक आल्सो इज़ अ गुड सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज, इसीलिए जो म्यूज़िक है वह भी एक गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. It points out to the fusion of the Hindu and Muslim cultures. और इससे हमें जो हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर की फ्यूज़न है, जो मेल है, वह भी हमें दिखाई देता है. इससे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है.